केवल आपके व्हाट्सएप पर वीडियो आ गया और फट से वीडियो बना दिए ये व्यक्ति के तरह बापीदा के तरह और अपने आप को स्नैक एक्सपर्ट कहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़िए, फेसबुक यूनिवर्सिटी से मत पढ़ के वीडियो बना कीजिए। एक गूगल से जाना है थोड़ा सा नॉलेज ले लेना, आकर जाने की यूट्यूब पर चैनल पर जो चीज भी पहला वो पहल देना। अरे भाई सच पर बात करो ना यार, बच्चा जिंदा है कि नहीं है, बच्चा ठीक है कि नहीं है। तुम बच्चा से मिलने गया, तुम बच्चा से या गार्जियन से एक बार फोन पर बात किया, एक बार फोन पर बात कर लेता तुमको सच्चाई पता चल जाता। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आपको फिर से स्वागत है स्नैक क्रैश मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो है कि आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो है, और ये वीडियो कोई और नहीं बनाया, ये वीडियो किसी और के यूट्यूब पर नहीं आया है, ये उसके यूट्यूब पर आया है जो अपने आप को बहुत बड़ा स्नैक एक्सपर्ट अपने आप को बताते हैं, वो है हमारे बापीदा। वो हमारे बापीदा जो अपने आप को स्नैक एक्सपर्ट बताते हैं, उनका ये वीडियो है। पहले ये वीडियो आप उनका देखिए। आज जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये बिहार हाजीपुर का है। एक व्यक्ति को छुछंदर काटता है, बाइट करने के बाद जैसे कि साधारण सब व्यक्ति सोचते हैं छुछंदर काटने से क्या होगा, कुछ नहीं। वो भी इसी तरह सोचे और कुछ किए नहीं, इलाज के लिए गया, लेकिन वहाँ पर कोई खास इलाज नहीं हुआ। लेकिन कुछ देर के बाद उसको अंधापन छाने लगा, मतलब आंख में दिखाई नहीं देने लगा। उसके बाद धीरे धीरे ट्रीटमेंट तो हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद उस व्यक्ति अभी किसी को पहचान नहीं है, किसी को पहचान नहीं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, मतलब एक तरह मेमोरी लॉस। चूहा काटने से आपका जान जा सकता है? जी हाँ, चूहा, ऐसा एक चूहा हमारे घरों में आस पास में दिखाई पड़ता है, लेकिन वो चूहा ये नहीं, जिसका नाम है मोलरेट, जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में छुछंदर कहते हैं। ये सांप काटने से एक व्यक्ति का मौत हो गया। वीडियो आप देख ही लीजिए, वीडियो में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि वीडियो में जो है कि बापीदा ने ये बताने की कोशिश किया कि छुछंदर काटने से जो है ना कि एक उड़ीसा में मौत हो गया, और बिहार के जो है कि वैशाली जिला के वहां पर एक मौत हो गया, और उसके बाद में बीच में बोलते हैं किसे कि कॉन्शियस हो गया, याददाश्त चला गया, फलना फलना जो चीज कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है कि ये जो है कि वीडियो में बता दिए। चलिए उसके बाद जो है ना कि हम बिहार से ही है और वैशाली भी हमारा जो है कि बगल में ही है, मतलब कि 130 किलोमीटर की दूरी पर है। उससे परिजन हमसे बात किए किसे रमेश जी ये बापीदा कौन है, हमारा जो है कि वीडियो जो है कि बच्चा का बना दिया कि मेरा बच्चा मर गया, जबकि मेरा बच्चा जो है कि फर्स्ट क्लास से ठीक ठाक है। उसके बाद हमने जो है किसे ये जांच पड़ताल चालू कर दिया, तो इस बच्चे का नाम रंजन कुमार है, और इनका वैशाली में बेलगांव चौक है वहां पर इनका घर हो गया, और ये बच्चा अभी जो है कि फर्स्ट क्लास है। चलिए ये वीडियो देखिए। हम 8 दिन के बाद जांच पड़ताल करने के बाद इनके घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद ये बच्चा को आप पहले देखिए। की नाम बुआ? रंजन। कैसे की भले रहा, अपने के पता है? सुछंदर। अच्छा, सुंदर काट ली तो की कर ली ओकरा बाद अपने सब? मुजफ्फरपुर प्रभात कर रहा हूँ। बैठो ना। अजय भाई कौन है जी? प्रणाम, आइए ना बैठे। अजय भाई हो गए जी? बैठे ना, बैठे 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 ना। क्या भाई रात में काट लेगी? अच्छा सुंदर उधर से उधर। अच्छा रात में काट ली, तो फिर कैसे क्या आप लोग को लगा कि वो इतना स्थिति खराब हुआ छुछंदर काटने से? तो स्थिति खराब हुआ जी, माने हम लोग वहाँ पत्थर कर रहे, वहाँ भी कहा हमको माथा चक्कर देने लगा। तो वहाँ हम वहाँ नहीं जाना चाहते हम मनोज भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि छुछंदर हो और मूसा हो, ए में विष न हो, में एंटी रेबीज रेबीज पाल जाए, लेकिन एकरा काटे से आदमी के मौत न हो, तो फिर लड़का के पेट में भी धक 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 करते हम देखे, और कॉन्शियस टाइप भी हम देखे कि एकदम अथी हो गए, तो रात में काट लय। ओकरा बाद अपने सब एक साथ की व्यवहार कर ली? हम लोग इलाज के लिए ले रहे, वहाँ ले गए ना, तो वहाँ से वो कहा जे आप इलाज के लिए ले जाइए, तो हम लोग इलाज के लिए सियाराम रायसन भर्ती करा, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर वहाँ से हम लोग घरे ले आए। घरे लाने के बाद फिर प्रभात तारा गए, प्रभात तारा गए, वहाँ भी पत्थर था, जब देखा जाए इसका दम फूल रहा है, तो वहाँ से कहा जाए बोलो डॉक्टर से दिखलाइए। हाँ ठीक बोला। फिर हम लोग हाजीपुर लेके गए, वहाँ आईसीयू में भर्ती करा दिए,
वहाँ रात भर रखा, सुबह पर कहा इसको पीएमसीएच ले जाइए। तो फिर हम लोग पीएमसीएच लेके गए, वहाँ इलाज हुआ, फिर मेंटल डिपार्टमेंट से भी दिखाया गया। तो फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं मेंटल डिपार्टमेंट से तो कहते, उसके बाद में वो अच्छी सीटी स्कैन कराने के लिए सीटी स्कैन कराया तो बोले जी दिमाग में कुछ गड़बड़ी है। जी एकदम सही। तो वहाँ से हम लोग दवाई है, उसके बाद वहाँ से अथी छोड़ दिए, जो लोग घर ले जाइए तो बोले ठीक है। एकदम एकदम बिल्कुल। ये जो आप लोग जो सोचे होंगे कि से छुछुंदर के काटे से या मूसा के काटे से यह हाल मिले, एक हाल उससे इसको नहीं हुआ है, यही बताने के लिए हम आए हैं। काहे कि हमको वीडियो में और वहां से पता चला कि यहाँ के लोग को पता है कि छुछुंदर काटे से जे की हाल हो गई है। तो इससे होगा क्या कि कोई और आदमी को अगर छुछुंदर भगवान न करे कि काट ले तो ओकरो स्थिति जो है ना कि इसको देख के उसको भी डर लगना चालू हो जाएगा और सारा बीमारी का जड़ डर है। इसको जब छुछुंदर काटा होगा ना तो घर में आप लोग डर गए होंगे, हमारा जैसा सेंस है, आप लोग का दिमाग काम नहीं किया होगा और आप लोग जो है कि डर के कारण इसको भी डर लग गया होगा, जिसके कारण माइंड जो है कि इसका जो है कि दिमाग जो है कि सुन हो गया था। हाँ, इसलिए आप लोग को हम इसलिए उतना दूर से बस केवल यही बताने के लिए आए हैं कि सांप के काटने से जो छुछुंदर के काटने से चाहे चूहा के काटे से आदमी के मौत न हो चाहिए। और वो भी जो स्थिति हुआ जो आप लोग सोचेंगे कि छुछुंदर के काटे के कारण ओकरा कारण स्थिति न भेलै, इसके कारण जो है इसका कोई और बीमारी है जो डॉक्टर जो आप जिस डॉक्टर से संपर्क में है उस डॉक्टर के संपर्क में आप रहिए। ये जो सोचिएगा कि छुछुंदर काट ले हो गई उसे इलाज करा दे तो खत्म हो गए तो छुछुंदर के कारण न भेलै है। लड़का के बउआ के क्या नाम बोला रवि रंजन के जो है ना कोई और बीमारी है, जो आदमी डॉक्टर के संपर्क में आप रहिएगा ये ठीक हो जाएगा, फर्स्ट क्लास है। चलिए बहुत खुशी हुआ और हमको तो ये स्थिति जिस तरह से लग रहा था ना कि हमको वीडियो भेजा हमको जेपी भाई, ये वैशाली के हैं और बहुत ही अच्छे हैं, वो भी जो है कि लोगों को जागरूक करते हैं। काटा यहाँ किधर काटा था? अच्छा यही पे, मतलब कि ऐसा कोई दाग भी नहीं है, उस समय खून निकल नहीं रहा, पंछा टाइप रहा और यहीं पर काटा जे आ पंछो से जो है ना ओकरा बाद जब ब्लड निकले छे ना हाँ हाँ पंचा टाइप और ब्लड जब निकललक ना तब जाके एंटी रैबिज एकरा में घुसलक, जैसे कुत्ता कुत्ता में बिल्ली में जो मांसाहारी जीव होती ना ओकरा में रैबिज पा ले जाय छे। लेकिन खून निकालते तब खून ना निकले पंचाई तब उसे जो है कि कोई दिक्कत ना हो छे, बहुत सुस्त हो गया। लेकिन ना अब जो है रवि रंजन सुन लो तुमको जो है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये दिमाग से तुम हटा दो ये बात कि हमारा जे कि छुछुंदर काटे से हमारा तबियत खराब हो गया था चाहे ऐसे वो छुछुंदर के काटे से और ओकरा अथी करे से ओकरा कुछ नहीं होता है, इसलिए आपको ये सब टेंशन नहीं लेना है। मन में घबराहट होते रहे छे, बोलो एकदम बोलो ना खुल के, ये पूछ रहे से बोलो, ना समझ में आ रहा है तो कहो जो नहीं जान रहा है, नहीं आ रहा है समझ, घबराहट डर भी लग रहा है, नहीं ना लग रहा है एकदम पक्का, एकदम ठीक एकदम, आपको डरना नहीं है, सब कोई चीज नहीं है, इससे आपको कुछ नहीं होगा, इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है, में जरूरत ना है, ठीक है एकदम ठीक हो गए। चलो एक गिलास पानी हमरा पिला दू, चाय ना कोई के जो कि सांपो काट लेवे चाहे कुछ काट लेवे तो ओकरा डरावे की जरूरत ना, ये गांव घर में जो है कि बहुत लोग कुछ कुछ बोले लग रहे थे जेकरा कारण एकरो डर लग गए। सांपो काट लेवे ना तो कहे के कि चल कोई बात ना इलाज होते ठीक हो जाए, अब सांपे काट ले लिया ओकरा डरा दे तब तो फिर जो कि गड़बड़ा देते, हद्दक से सांप के काटे से 90 लोग न मरे थे, 10 लोग मरे थे और 90 लोग जो है ना वो डर से मर जाए। ए लेल सांप काटे चाहे कोई भी जीव जंतु काटे तो डरावे के न चाहे कोई। अब जितने भी हमारे व्यूअर है, जितने भी बापिका के व्यूअर है, जितने भी बापिका के सब्सक्राइबर है, जो आप लोग बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा जानकारी वाला वीडियो बनाता है, इसमें कितना सच्चाई है इस वीडियो में आप हमको बताइए।
इस बाकीदार को जो है ना किसी एक आदमी जो है कि इनसे संपर्क करता है और उसके बाद अपना इलाज के लिए जो है कि बात करता है, तो बाकीदार ही है कि व्हाट्सएप पर वीडियो बनवाता है और बच्चा से जाकर मिलना बच्चा दूर उसके बारे में फोन करके भी एक पता नहीं करता है और चुपचाप से ये कायरता वाला काम किया, चुपचाप से उस बच्चे का वीडियो जो है कि बना दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से इनको पता भी नहीं है, बहुत बड़े जानकार बनते हैं। किसी को भी अगर हम यूट्यूब पर चाहे कुछ भी वीडियो बनाते हैं और वीडियो कोई अपमानजनक हो तो उसको डायरेक्ट हमको फेस को जाने की ब्लर कर देना है, जबकि इस व्यक्ति ने उसके चेहरा को ब्लर भी नहीं किया और साफ साफ दिखा दिया। उसके गांव में हाहाकार मच गया कि बच्चा मर गया तो कौन तो यूट्यूब पर देख ली। उसके बाद उसके परिजन तो गंदा भद्दा गाली बापिता को हमारे सामने में देने लगे। फिर उसको हम समझाए कि नहीं चलिए गाली देने की जरूरत नहीं है, हम उनके यूट्यूब पर जो है कि कमेंट कर दिए हैं कि आपका ये बच्चा अभी जीवित है, आपने जो वीडियो बनाया उस वीडियो को आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद जब वो डिलीट नहीं किया है तब मजबूरी में हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि ये व्यक्ति जो है कि एकदम ठग है। ये व्यक्ति हमेशा जो है कि दूसरे पर वीडियो बनाते हैं मुरली वाले हौसले पे, अरे वो तो रेस्क्यू करता, कोई जानकारी नहीं देता। तुम तो अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट मानते हो, बहुत बड़का डॉक्टर मानते हो, भाई जहां नौकरी करते हो वहां नौकरी करो। ज्यादा जो है कि किसी को जो है कि गलत फहमी में गलत यूट्यूब पर 7 लाख सब्सक्राइबर है, आपका 7 लाख फॉलोवर है, वो आप जो बात बोलते वो आप सुनता है, उसके तो उसको पता नहीं यार, वो आपके बात को जो है कि मान लेगा, उसके बाद कहेंगे कि गलत चीज का सामना करना पड़ जाएगा, गलत कंडीशन में फंस जाएगा, जिसके कारण उसका जिम्मेवार तुम होगे। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बताना चाहता हूँ कि उसके बाद जो है ना कि एक आदमी से जो है ना कि दो आदमी जो है ना कि बात विचार किया कि बापूदा ये वीडियो कैसे बनाया, तो जो रिकॉर्डिंग हमको भेजा गया है, हमारे व्यूअर है, हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे फॉलोवर है, वो हमको रिकॉर्डिंग भेजे है। और आ गया घर है पीएमसीएच से, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तो फिर बापीदा बताइए तो इतना उसको लोग फॉलो करता है तो हम कैसे? अरे देखिए वो जैसे वीडियो हम ही दिए थे। अच्छा अच्छा। तो हम उनको बोले थे कि हाजीपुर में भर्ती है, आदमी को पहचान नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। उसको पीएमसीएच रेफर किया है। अच्छा। और उनके क्या दिमाग में आया जो वो बोल दी, हम भी वीडियो देखे तो हमको शेयर भी नहीं किए वीडियो को। हम देखे सलाह उस गांव में आदमी जब कहीं चला जाएगा ये बात कहेगा, हम लोग थोड़ा मानते हैं उनको। वही बात है ना कि बताइए उतना हम आप ही लोग क्या मानते, उतना लोग 7 लाख 8 लाख लोग उसको फॉलो करता है, लोग उसको मानता है। अरे हम लोग को काहे नहीं फॉलो करेगा, उन्हीं को काहे फॉलो करता, लोग मानता है तब ना फॉलो करता है। वही बात, तो हम जब वीडियो देखे तो हम खुद ताज्जुब कर दिए, क्या बोल दिए एक लाइन, सब कुछ सही बोले, एक लाइन बोल दिया ये मर गया। वही बात है ना, उतना लोग फॉलो करता है, कुछ वीडियो बना देना, हमेशा मुरली वाला को गालिये देते रहेंगे। हाँ, दूसरा पर क्लेम निकालते हैं। मुरली वाला को लोग इतना ऐसा ही लोग फॉलो नहीं ना करता है मुरली वाला हौसला को। हाँ। आज 90 लाख के करीब उसको फॉलो करना था, आखिर लोग उसको मानता है तब ना। क्या है वो बापियादा के पास थोड़ी ऐसा वीडियो आता होगा, मुरली वाला के पास भी जाता होगा। क्या वो वीडियो नहीं बना सकता था वैसा, जैसे वो वैशाली का है। हाँ, वैशालीगढ़ आके घर से कितना दूर है ये है। हाँ, तो हम वहाँ जैसे काम करा रहे थे कुछ, तो वहाँ कुछ जान पहचान को हुआ था। हाँ, तो लोकल में भी किसी को सांप को काट लेता था लेके हमारे पास आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देख ज्यादातर सकड़े उकड़े काटता है, तो घर ही से वापस कर देते हैं फिर देवा हुआ के। हाँ हाँ हाँ। तो वही वो हमको फोन किया गया ऐसा ऐसा हुआ है क्या करे, तो हम बापिता से राय लिए कि भाई उसको क्या किया जाए, तो वो बोले कि वीडियो फोटो भेजिए। हाँ, उसको तो वीडियो बनाने के लिए व्यूज के लिए। हाँ। झूठो के बोलेंगे कि हम वीडियो बनाने के लिए नहीं, नौकरी करते हैं, फलना यूट्यूब चैनल है, आप सब काम करते हुए व्यूज के लिए ना हुआ हो। चलिए तो आप ही वीडियो दे दिए थे। हाँ, फोटो हमको नहीं तो वीडियो बनाने के थोड़े, वो हमको दूसरा बात बोले। हाँ, वो हमको बोले कि उसका आँख का फोटो और उसका रहन सहन का वीडियो भेजिए। अरे कुछ नहीं, वो बहुत बड़का ठग है, समझे कि नहीं? हाँ, तो हमको थोड़े लगेगा अधिक वीडियो बनाएंगे। आपको भी आइडिया हो गया ना, आप उनको मानते हैं, आप ही के साथ छल कपट कर दिए। हाँ, तो जैसे हमको बोले ना कि उसके आँख का फोटो भेजिए कि मतलब कैसे देख रहा है, उसका रहन सहन पागलपन है क्या है नहीं है, थोड़ा भेजिए क्लिप भेजिए। हमारा थोड़े पता जो वीडियो बनाने के लिए मांग रहे हो, हम तो सीधा साधा आदमी है, पता चल थोड़े हमारे पास में। चलिए कोई उस बच्चे को जो है एक्सपोज करके जो है जिंदा बच्चा को ये व्यक्ति मार दिया,
जिंदा बच्चा को और अच्छा बच्चा को ये सिरसर साबित कर दिया। बहुत बड़ा ये मुर्गा, इस पर तो केस कर देना चाहिए। आप उसके गार्जियन केस करने के लिए तैयार भी था, लेकिन हम मना किया। आप अपने वीडियो से, आप अपने यूट्यूब चैनल से जो वीडियो उस रंजन का जो अपलोड किया थी सुंदर काटने वाला बात कि बच्चा पागल हो गया, बच्चा कॉन्शियस हो गया, बच्चा याददाश्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है जो आप हमको वीडियो में हम दिखा रहे हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बिहारी है, बिहार में एक बिहारी सौ पर भारी पड़ता है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट करें, अन्यथा मैं उसके गार्जियन से आप केस करवाऊंगा। और दूसरा को तो जेल भेजते रहते हैं, हम आपको जेल भेजने के काम करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अय्यर रमेश पासवान नाम है मेरा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमको जो है ना कि बार बार आके बोलते हैं हमको व्यू नहीं चाहिए, हमको व्यू नहीं चाहिए। उस बच्चा को गार्जियन को बोले बिना, उससे को बच्चा से एक बार संपर्क किए बिना आपको वीडियो उसको डाल कैसे दिया? क्यों सा हिम्मत, कौन हिम्मत दिखाया कि तुम उसका वीडियो डाल दिया? उसका वीडियो डालने वाला तुम होता कौन है? नटंकी, नटंकी बड़का एक्सपर्ट बनते हैं, सुंदर काटने से मौत होता है, चूहा काटने से मौत होता है। अरे उस बच्चा का जो है कि अलग बीमारी था, जो उसके घर पर जाकर हम लोग मिले, बैठ के बात किए, पानी पिए, और आप जो देख रहे होंगे जहां तक हुआ हमसे, हमने उसको जो सहयोग किया वहां पर हमने ब्लर कर दिया, ब्लर वहां पर हम जो कुछ भी दिए होंगे वो हम दिखाने की कोशिश भी नहीं किए, हम उसको ब्लर कर दिया। और उस बच्चा को तुम जिनते जी बच्चा को तुमने मार दिया, क्या यार घटिया मानसिकता है तुम्हारे पास व्यू पाने के लिए और सब्सक्राइबर के लिए? और सबसे अधिक तो हमें बुरा लगता है हमारे व्यूअर लोग को, जिन लोग को जो है कि सांप काटने के बाद मर जाए वही वीडियो देखना पसंद करते हैं। इंसानियत को जगाइए, किसी को भी मत सोचिए कि सांप काटने से मर जाए। जो देखे वीडियो पर जाकर सबके सांप काट लिया ओकर व्यू सबसे अधिक, मर गया ओकर व्यू अधिक, दूध पिला दिया अंधविश्वास फैला दिया ओकर वीडियो अधिक, हद बात करते हैं यार। और वही काम सब स्नैक रेस्क्यूअर कर रहे हैं, सबको मैं बोल रहा हूँ, सबको जनता ये जीव के साथ जो बेदुआ के साथ जिस तरह से क्रूर मजाक करते हैं ना, वो सबको मैं बोल रहा हूँ। और आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे भारत के जितने स्नैक रेस्क्यूअर है वो सब लोग सांपों के साथ जीवों के साथ क्रूर मजाक करना बंद कर दीजिए। स्क्रिप्टेड वीडियो होता है भाई, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाइए, जागरूकता के लिए बनाइए ना, अंधविश्वास को दूर करने के लिए बनाइए ना, और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए आप लोग स्क्रिप्टेड वीडियो बना लेते हैं। स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया जाता है तो सोचा समझा प्लानिंग रहता है, जो क्या कहते हैं जागरूकता के लिए बनाया जाता है। और आप लोग जो है कि व्यू पाने के लिए कि हमको जितना व्यू मिल सके उतना बना लेते हैं, हद कर रहे हैं, हद मजाक। चलिए दोस्तों, बस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि कोई भी आदमी वीडियो बनाए, हम बनाए, बापिदा बनाइए, मुबारक जी बनाइए, हौसले जी बनाए, एसनेक जिससे भी एसनेक रेस्क्यूअर है, हमारे जेपी भाई है हमारे वैशाली के वो भी बनाए, हमारे नवनीत भाई है वो भी बनाए, लेकिन वीडियो के तह तक जाइए आप लोग, आप सच्चाई को जानिए। केवल आपके व्हाट्सएप पर वीडियो आ गया और फट से वीडियो बना दिए, ये व्यक्ति के तरह बापिदा के तरह, और अपने आप को स्नैक एक्सपर्ट कहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़िए, फेसबुक यूनिवर्सिटी से मत पढ़ के वीडियो बना कीजिए, एक गूगल से जाना थोड़ा सा नॉलेज ले लेना, आकर जाने की यूट्यूब पर चैनल पर जो चीज भी पेलना है वो पेल देना। अरे भाई तथ्य पर बात करो ना यार, तथ्य पर बात करेगा सब सुनेगा, क्योंकि 7 लाख सब्सक्राइबर है और हमारा जो देख रहे हैं ना, हमारा भी जो है कि ये पढ़ाई है, और इसके बाद में हम जो है कि ज्यादा भौकाली हम नहीं करते हैं, ज्यादा हमको अधिक बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो बात बताते हैं वो तथ्य पर बताते हैं। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि जो भी वीडियो बनाइए, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं तो पूरे तह तक जाए, बच्चा जिंदा है कि नहीं है, बच्चा ठीक है कि नहीं है। और इंसानियत के नाम पर बोलते हो कि हम इलाज करते हैं, तुम गार्जियन से मिलने गया, तुम बच्चा से मिलने गया, तुम बच्चा से या गार्जियन से एक बार फोन पर बात किया, एक बार फोन पर बात कर लेता तुमको सच्चाई पता चल जाता, उसके बाद तुम वीडियो उसका नहीं बनाता। लेकिन नहीं, तुमको तो व्यू पाना है, सब चीज के लिए हाय 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 हाय, व्यू के लिए इतना हाय हाय मत करो यार। आप 7-8 सब्सक्राइबर रखने के बाद आपका फॉलोवर है वो परिवार की तरह होता है, जो अपने परिवार को गलत दिशा गलत राह दिखाए वो गार्जियन सही नहीं होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सच्चाई के राह पर चलने वाले को साथ दीजिए, और जो सही बताता है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये अटल पटल यूट्यूब पर बता दे रहा है, यूट्यूब पर तो नंगे नाच कर देता है, वो वीडियो वायरल हो जाता है, तो आप भी नंगे नाच करके वीडियो वायरल करवा लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसा कोई गलती ना कर सके। फिर मिलते हैं।
ऐसे ही रोता कर खतना के इंटरेस्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।